उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले सभी लोगों का चेकअप करने के बाद उन्हें प्रशासन ने होम क्वारंटीन रहने को कहा है। होम क्वारंटीन का पालन करने के बावजूद भी कई गांवों के प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला चमोली से सामने आया है, जहाँ दशोली विकासखंड के बमियाला गाँव में देहरादून से अपने गाँव पहुंचे एक परिवार को अपने ही गाँव में ग्रामीणों का भारी विरोध देखने को मिला। बमियाला गाँव के ग्रामीणों को जैसे ही देहरादून से गाँव में परिवार के पहुंचने की खबर मिली, वैसे ही भारी संख्या में ग्रामीण उनके घर का घेराव करने पहुंच गए और परिवार को जूनियर हाई स्कूल बमियाला में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहने का दबाव बनाने लगे। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए डॉक्टर और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत करवाया। तो चमोल और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चमोली से लक्ष्मण राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। लक्ष्मण राणा, जिस तरह से लगातार प्रवासी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ, लेकिन अब उनका विरोध देखा जा रहा है, इसमें क्या अपडेट है फिलहाल? जी कौशल, देखिए लगातार जो प्रवासी हैं वो अपने गांवों को लौट रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो छूट मिली है चौथे चरण में, भारी जो राज्य हैं वहां से भी प्रवासी लौट रहे हैं और भारी जनपदों से भी लगातार प्रवासियों का लौटने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। लेकिन उसके बाद जब वो गाँव पहुंच रहे हैं वहां पर अपनों का विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला चमोली के दसोली विकासखंड के बमियाला गाँव में देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर एक परिवार देहरादून से लौटा था और उनको अपने गाँव वालों का खासा विरोध वहां पर झेलना पड़ा और जो ग्रामीण थे उन्होंने उनके जो गाँव का जो घर था को पूरी तरह घेर लिया था और काफी घंटों तक ये विवाद वहां पर चला। हालांकि उसके बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद उनका वहां पर चेकअप किया गया। ग्रामीणों का यही कहना था कि ये घर में होम क्वारंटीन ना रहे, क्योंकि गांव के पास में ही एक विद्यालय बनाया गया है क्वारंटीन सेंटर, जहां पर अन्य प्रवासी भी वहां पर क्वारंटीन की अवधि को पूरा कर रहे हैं और गाँव वाले यही कह रहे थे कि इन सभी जो लोग हैं इनको वहां पर क्वारंटीन किया जाए। लेकिन वो मानने को बिल्कुल, क्या इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की कुछ लापरवाही सामने आ रही है, जिस तरह से जो प्रवासी हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए सुकुशल? सरकारें इस ओर जोर दे रही हैं, लेकिन ये जो प्रवासी उनको छोड़ दिया गया कि जाओ अपने घर में क्वारंटीन हो जाओ, इसके चलते ये विरोध देखने को मिला कि लोगों ने घर में घुसने नहीं दिया? जी देखिए, अब लॉकडाउन 4 के बाद जो छूटें मिली है उसके बाद लगातार लोग जो टैक्सी गाड़ियां हैं उनसे भी अपने घरों को पहुंच रहे हैं और जगह जगह पर मेडिकल टीमों के द्वारा चेकअप इनका किया जा रहा है। चेकअप करने के बाद ही अपने गांव करीब 9 बजे कल बमियाला पहुंचे थे, लेकिन गाँव का कुछ नियम इस तरह बनाया गया था कि गाँव के पास में ही जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है स्कूल को, वहां पर रहने का दबाव गाँव वाले बनाने लगे। हालांकि परिवार के जो सदस्य थे जो देहरादून से पहुंचे थे उनका यही कहना था कि हमारे जो गांव मतलब परिवार में जो है कि कई लोगों की तबीयत खराब है और हार्ट के पेशेंट भी। हालांकि गाइडलाइन जो केंद्र सरकार की है या गृह मंत्रालय की है उसमें यही कहा गया है साफ शब्दों में कि अगर कोई गंभीर बीमारियों से कोई ग्रस्त है तो उनको क्वारंटीन करने के बजाय होम क्वारंटीन उनको किया जाए। लेकिन उसके बाद जब मामला बढ़ा तो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। प्रशासन की टीम के द्वारा गांव वालों को समझाया गया कि यह जो लोग देहरादून से लौटे हैं इनमें कई बीमार हैं, इनको होम क्वारंटीन रहने दिया जाए। और इसमें एडीएम जो चमोली है उनका भी यही कहना है कि इस तरह का दबाव गाँव वाले ना बनाए, क्योंकि और जो लगातार जो घटनाएं जो प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार की आ रही है इससे काफी नाराजगी लोगों में है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो अपने गांव को लौट रहे हैं, जो प्रवासी हैं, अब उनके गांव में ही उनका विरोध होने लगा है और ऐसी तस्वीरें चमोली से हमने आपको दिखाई।